फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं बेंजीन, क्योंकि रिएक्शन तो बेंजीन पे ही होनी है। ठीक है, बेंजीन पे हमें क्या करना है, अल्काइल ग्रुप जोड़ना है। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ओके, तो बेंजीन के ऊपर हमें अल्काइल ग्रुप जुड़ना है, दैट इज नॉन एज अल्काइलेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ कराएंगे बच्चों, अभी बताता हूं। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे RCl+AlCl3। मेरे साथ बोलो, RCl+AlCl3, RCl+AlCl3। तो बेंजीन की रिएक्शन जैसे ही RCl+AlCl3 के साथ कराएंगे, हमें क्या जुड़ना है, हमें जुड़ना है अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हमें बेंजीन के साथ ही R को जोड़ना है। तो यहां पर मैंने बना दी बेंजीन और यहां पर मैंने जोड़ दिया R। दिस इज अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया बेंजीन के साथ। अब यहां पर इनमें से ये अल्काइल ग्रुप निकला तो निकला कैसे, दया पता लगाओ। तो देखो होता क्या है, RCl है, इधर क्या है AlCl3। लास्ट लेक्चर में हैलोजनेशन देखा होगा आपने, इससे पुरानी वीडियो में, तो वहां पर मैंने बताया था Cl के ऊपर नेगेटिव, यहां पे तो चलो Cl के ऊपर नेगेटिव, और यहां पर AlCl4 निकल जाना है इस तरह से। और बचा क्या, क्या R, और R बचेगा तो R रिलीज होगा, R रिलीज होगा तो ऐड होगा। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है, अल्काइलेशन है। अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, R ग्रुप अटैच करना है, वही AlCl4 यहां पे निकल जाएगा। और जैसे ही AlCl4 निकला, ये AlCl4 रिलीज होने के बाद सिर्फ R बचता है, और हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट से ही मतलब है, बाकी बाय प्रोडक्ट भले कितने निकले रिएक्शन में, हमें चाहिए मेन प्रोडक्ट। तो यहां पे मेन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका अल्काइलेशन, वो भी बेंजीन के ऊपर R जोड़ दो। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब कोई भी CH3, C2H5, C3H7, जो भी ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है, वो अटैच कर दिया। और कैसे निकला, सीधी सी बात है, क्लोरीन जो है AlCl3 के साथ निकल लिया, AlCl4 बना लिया, और यहां पे जो R था वो रिलीज हो गया, और ये जो R रिलीज हुआ इसने बेंजीन के साथ जाके अटैक कर दिया। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है क्योंकि ये कार्बन है। अब हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर आपको आर ग्रुप अटैच हो रहा है। कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है? आर ग्रुप अटैच हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर आर अटैच हो चलिए चुका है। अब हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लिप पे आ जाओ। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखते हैं। अल्काइलेशन हो गया, लास्ट बच गया आपका एसाइलेशन। आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या देखने वाले हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी हमने अल्काइलेशन देखा, अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अब एसाइलेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच करो, आर ग्रुप अटैच करो, और एसाइलेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने लेनी है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की रिएक्शन चल रही है। बेंजीन की रिएक्शन आपने करानी है RC(OCl) और AlCl3। मेरे साथ बोलो बच्चों, RC(OCl) और AlCl3। ठीक है, अब यहां पे क्या होना है, ध्यान से सुनना, दिस इज द एसिड क्लोराइड, दिस इज द एसिड क्लोराइड। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो मैकेनिज्म ध्यान से देखो, RC(OCl), ये RC(OCl) लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, RC(OCl). अभी क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है AlCl3 के साथ, क्योंकि ये दोनों रिएजेंट रिएक्शन करेंगे और इनमें से जो निकलेगा वही तो इस पे जुड़ेगा, वही तो यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अटैच होने वाला है, जो भी इस रिएक्शन में से निकल रहा है। तो देखो रिएक्शन में से निकलेगा क्या, ध्यान से देखना, Cl के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर इंड्यूस डाइपल हो रहा है, और यहां पर आता है पार्शियल नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अभी मैंने पार्शियल पॉजिटिव बताया, ध्यान से सुनो, पार्शियल पॉजिटिव आता है Cl के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव आता है एल्यूमिनियम के ऊपर। और यहां पे क्या होगा, ये एल्यूमिनियम जो है इसको इलेक्ट्रॉन देके, इसको नेगेटिव चार्ज का बना के अपने साथ निकाल के AlCl4- में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कहानी वही है जो अपन दो लेक्चर से करते आ रहे हैं, कि ये Cl और ये AlCl3 दोनों जुड़ के AlCl4- लास्ट दोनों लेक्चर में भी माइनस लगा लेना इसके ऊपर, AlCl4- में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे बचा सिर्फ C(OR). तो जो बचा है उसे अटैच कर देते हैं बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C(OR). सो दिस इज द एसाइलेशन। ओके, तो
तो ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आपको सी डबल बॉन्ड आर को अटैच करना है और ये जो सी एल है इसको ए एल सी एल थ्री के साथ निकाल देना है। जब सी एल ए एल सी एल थ्री के साथ जाएगा तो बनाएगा ए एल सी एल फोर माइनस और यहां पे बच जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आर को मैंने यहां पर इस तरह से जोड़ दिया और दिस इज योर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आई होप आपको सारी रिएक्शन क्लियर होगी होगी। सबसे पहले हमने नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, हेलोजिनेशन देखा, फिर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा और लास्ट में हमने देखा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नाइट्रेशन में हमने HNO3H2SO4 के साथ कराया था, सल्फोनेशन में हमने H2SO4 के साथ कराया था या H2S2O7 ओलियम के साथ कराया था। फिर हमने देखी थी उसके बाद हेलोजिनेशन जहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन करवाई थी। फिर हमने एल्काइलेशन देखा था जहां पर सिर्फ आर ग्रुप हमने अटैच किया था एल्काइल ग्रुप। और जो हेलोजिनेशन एल्काइलेशन और एसाइलेशन है इन तीनों का मैकेनिज्म सेम है, यहां पर आप तीनों में AlCl4- निकाल देना। तो ये सारी रिएक्शन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो लाइन से देख रहा होगा उसको क्लियर होगा, जो नहीं भी देख रहा होगा उसको मैंने समझा दिया कि AlCl4- निकल रहा है और जो RC डबल बॉन्ड है वो अटैच हो रहा है। दिस इज योर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन टोटल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हमारे जो लेक्चर है वो पुराने लेक्चर है इस प्लेलिस्ट में, पर नॉलेजेबल है तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनना, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने दोनों पढ़ा रखी है बी फार्मेसी की, पर क्या है थोड़ा सा सिस्टम अलग है, वो पुराने लेक्चर है पर नॉलेजेबल है। तो मैं चाहता हूं आप सपोर्ट करो उन्हें भी और उन्हें भी बहुत सारा प्यार दो।